हाँ, ये तो बिल्कुल वोल्कान जैसा लग रहा था। मैं तो दिन में भी सपने देखने लगी हूँ। Hey guys, welcome. शुक्रिया भाई। कैसे हो बारिश? थक गया हूँ। तुम्हारी तरह दिन भर घर पर नहीं बैठा था ना, काम पर था। वोल्कान की तरह बात मत करो यार, तुम कम से कम काम पे थे, घर पे बैठना ज्यादा टायरिंग होता है। बोर हो गया हूँ मैं। एनीवे ये सब छोड़ो, चलो गेम खेलते हैं। वो तो वक्त ही बताएगा, देख लेंगे। देखते हैं कौन जीतता है। आप लोग कुछ लेंगे मिस्टर बुराक? गैस कुछ खाओगे? नहीं, पर कुछ मीठा ले लूंगा, जैसे आइसक्रीम। और मुझे भी आइसक्रीम। मुझे भी। ओके सर। पता है आइसक्रीम खाने से एनर्जी आती है। अरे तुम चाहे 10 किलो आइसक्रीम खा लो यार, लेकिन मुझे नहीं हरा पाओगे आज। देखेंगे। सुनो, एडम की आवाज से लग रहा था कि वो सच ही बोल रहा है। क्या पता वो सच ही बोल रहा हूँ, हो सकता है वो सच में उसकी एक्स ही हो। उफ़ासले, मुझे कंफ्यूज मत करो, मैंने वो चैप्टर क्लोज कर दिया। मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ। सुनो, वो बहुत ही परेशान लग रहा था, मानो बस वो रोने ही वाला हो। वो इस्तांबुल आ रहा है और तुमसे बस 5 मिनट के लिए बात करना चाहता है। क्या? वो मेरे लिए इस्तांबुल आ रहा है? वो सच बोल रहा है क्या? मेरे लिए इतनी दूर आ रहा है तो शायद सच ही बोल रहा होगा, वरना इतनी दूर क्यों आता? मुझे भी वही लगा। मुझे लगता है कि वो सच ही बोल रहा है। उसने बताया कि वो इस्तांबुल आएगा, तो तुमने क्या कहा? मैंने उसे तुम्हारा एड्रेस दे दिया है। वो आज रात तुमसे मिलने आ रहा है। क्या? आज रात मिलने आएगा? ऑलरेडी शाम हो चुकी है, मैं तैयार कब होंगी, कब जाऊंगी? ओ गोंजा, तुम पागल हो क्या? अभी तुम कह रही थी कि सब खत्म है और अब तुम उसके लिए तैयार होने जा रही हो, ताकि मुझे देखकर वो सोचे उसने किस परी को खोया है। तुम बहुत फनी हो गोंजा। मैं चलती हूँ, मुझे एदा से मिलने जाना है। एदा से मिलने जाना है? तुम्हें उससे क्यों मिलने जाना है असल? आखिर चल क्या रहा है? हाँ सिस्टर एमिल, मिस्टर बुराक और गेस्ट्स को कुछ मीठा खाना है, पर हमारे पास तो स्ट्रॉबेरी केक है ना, असल ने बनाया था, फ्रिज में आइसक्रीम भी है, हो जाएगा ना? हो जाएगा, पहले ये सर्व करती हूँ, उन्हें अगर कुछ और चाहिए होगा तो बना लेंगे। ठीक है, तुम आइसक्रीम निकाल लो। मॉम, मैं डिनर पर जा रही हूँ। ठीक है जाओ, पर लेट मत करना, मैं परेशान हो जाती हूँ। हाँ आप फिक्र मत कीजिए, मैं फोन कर दूंगी। जाओ। असल चलें क्या? हाँ चलिए। आपको तकलीफ देने के लिए सॉरी हलील भाई। कोई बात नहीं, चलो अपना ध्यान रखिएगा, जल्दी आ जाना। हाँ माँ। हेलो मिस्टर निहाल। हेलो। ये असल है ईमेल की बेटी, ये मिस्टर निहाल हमारे बॉस। आपसे मिलकर खुशी हुई सर। मुझे भी। चलो इधर चलो, कार गैरेज में। हेलो डार्लिंग। ओ आ गए तुम डार्लिंग, बैठो ना। थैंक यू। कैसा रहा तुम्हारा दिन? हर रोज की तरह एग्जॉस्टिंग रहा। काम के लिए कोई नई लड़की आई है क्या? नहीं, वो यहाँ काम नहीं करती है, वो एमएल की बेटी है। वैसे तो वो इस शहर में नहीं रहती, बाहर रहती है, उसे यहाँ वापस आना पड़ा। एमएल ने पूछा कि वो यहाँ रह सकती है क्या, तो मैं उसे मना नहीं कर पाई। मैं तुमसे उसे रखने के लिए पूछ भी नहीं पाई। कोई जरूरत नहीं है, मुझे दिक्कत नहीं है, वैसे लड़की अच्छी लगती है। हाँ बहुत प्यारी बच्ची है वो, लगती तो है। स्टूडेंट है क्या? नहीं, उन्होंने बताया नहीं, पर मुझे लगता है फाइनेंशियल रीजन से वो कॉलेज नहीं जा पाई होगी। टेस्ट में उसके इतने अच्छे मार्क्स आए, फिर भी बेचारी एडमिशन नहीं ले सकी। इतने अच्छे मार्क्स आने के बाद भी आखिर कोई क्यों कॉलेज नहीं जा सकता, बताओ। बेचारी, क्या कर सकते हैं। अच्छा सुनो, तुम चेंज करके थोड़ा फ्रेश होके आ जाओ ना, मैं आज गार्डन में डिनर लगवा रही हूँ। ठीक है। Bon, chouette, tarif,
olmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter.